हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व किए थे, सो आज हम लोग 10 सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे अच्छे से समझना ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं और आप लोग एंड तक देखना, ताकि बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप लोग एंड तक वीडियो देखना। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। एक कोण की अंतः समद्विभाजक एवं बाह्य समद्विभाजक परस्पर लंब रूप में स्थित होते हैं, इसे प्रमाणित करना है। इसे लंब रूप में, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो हम लोग पहले इसको ड्रॉ करते हैं। किस टाइप से मेरा ये ड्रॉ बनेगा, ड्रॉ करेंगे हम इसे। मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये सपोज मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये डी है, और ये मेरा ई है। ओके, ठीक है, इस टाइप से मेरा रहेगा ड्राइंग। तो हम लोग इसे लिखेंगे, पहले देखो ये आप लोग कि एक यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है मेरा वो परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज मैं ये दोनों बाइसेक्टर ले रही हूँ, बाइसेक्टर मेरा ये और ये है, किस एंगल का, एंगल बी, ये सपोज ओ है। ओके, ये एंगल बी ओ सी का, बी ओ सी ये वाला, ये एंगल है मेरा, ये बीओसी का ये इंटरनल बाइसेक्टर है और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स जो अंदर रहेगा, और ये एक्सटर्नल इस ये वाला एंगल है, और ये इस एंगल से बाहर ये वाला बाइसेक्टर है। चलो हम लोग ये इसे ही हम लोग को प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, हम लोग लिखेंगे लेट एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल बी ओ सी, पहले भी मैंने बताया है बी ओ सी ये वाला एंगल। ओके, एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल बी ओ सी, मेरा एक्सटर्नल एंगल बी ओ सी का क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए ओ सी है। लिखेंगे लेट एक्सटर्नल एंगल ऑफ एंगल बी ओ सी इज एंगल ए ओ सी, ओके, एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी इज क्या है मेरा इंटरनल बाइसेक्टर मेरा क्या है, ओडी। ओके, सो इंटरनल बाइसेक्टर इज ओडी। ओके, एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीओसी इज क्या है मेरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये वाला है ओई। ओके, so we have to, हमें सिद्ध करना है कि इंटरनल ये अंतः समद्विभाजक मेरा ओडी है और बाह्य समद्विभाजक मेरा ओई है। ठीक है, so हमें यह सिद्ध करना है कि we have to prove that यदि हम इसे एक राइट एंगल सिद्ध कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो हम
प्रूव करेंगे ही. सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओई इक्वल टू वन राइट एंगल 90 डिग्री. हमें क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री बनाना. ओके, सो हम यह प्रूव करेंगे कि यह 90 डिग्री का है, नहीं समकोण बनाता है. ठीक है, राइट एंगल मीन्स समकोण बनाता है. हमें यह सिद्ध करना है कि एंगल सी ओ डी, सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर एक राइट एंगल यानी एक समकोण बना रहा है. ठीक है, इस तरह से हमें यही सिद्ध करना होगा. तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, अब प्रूफ. ओसी ये देखो आप लोग, ओसी ये वाला है, ओसी ओसी स्टैंड, ओसी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन, ओसी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी. ये ए बी मेरा है, ए बी पे ओसी एक ऐसे परपेंडिकुलर में ये खड़ी है ये रेखा. ओके, तो जब जानते हो आप लोग कि ये जब एक ये एक स्ट्रेट लाइन है और जब एक बाइसेक्टर यानी ओसी एक ऐसे सरल रेखा खड़ी हो तो ये दो भागों में बांट देती है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओसी स्टैंड ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी सरल रेखा पर स्थित है. सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, बी ओ सी दो भागों में बांट रही है, एंगल बी ओ सी प्लस ये देखो आप लोग स्ट्रेट लाइन को दो भागों में बांट रही है. सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, एओसी या सीओए इक्वल टू, मैं यहां पे एओसी लिख रही हूं ज्यादा अच्छा लगेगा, एओसी इक्वल टू टू राइट एंगल. हम यहां पे लिख सकते हैं टू राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री. ओके, सो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहां पे टू राइट एंगल लिख रहे हैं या फिर आप हम लिख सकते हैं 180 डिग्री. ओके, सो अब आप लोग यहां ध्यान से देखो कि एक बाइसेक्टर जो है, दो यहाँ पे बाइसेक्टर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, अंत समद्विभाजक और ये बाह्य समद्विभाजक. तो इंटरनल बाइसेक्टर, कोई भी बाइसेक्टर क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को या एक स्ट्रेट लाइन को हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक स्ट्रेट लाइन को चाहे वो डिवाइड करे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या एक एंगल को भी डिवाइड करे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो हम यहाँ पे ये मेरा इंटरनल जो मेरा बाइसेक्टर है डी, और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, सॉरी डी नहीं, ओ डी और एक्सटर्नल, ये दोनों मेरा जो इंटरनल बाइसेक्टर बीओसी का जो बाइसेक्टर है ओ डी, इसे भी दो भागों में इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, और ये जो ओई है ये एओसी को भी इक्वल भाग में डिवाइड करेगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम ये लिख ले कि सिंस ओडी एंड ओई आ बाइसेक्टर, सो इट so they divide the angle, divide the angles in two equal parts respectively. दोनों क्रमशः, दोनों ओडी और ओई दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो यहां पे हम बीओसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीओसी के जगह पे, बच्चों मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है सो मैं आप लोगों को फिर से यहां पे लिख दी हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में. एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी इक्वल टू 180, या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं 1
राइट एंगल ओके सॉरी टू राइट एंगल टू राइट एंगल ओके एंड ओडी एंड ओई आर बाइसेक्टर यानी ये समद्विभाजक हैं, दो समद्विभाजक हैं जो कि हमारे कोणों को डिवाइड द एंगल्स इन टू टू इक्वल पार्ट्स ओके सो यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है सो हम बीओसी को हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे बीओसी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बीओसी इक्वल टू होगा यहाँ पे बीओडी एंगल बीओडी प्लस एंगल सीओडी ठीक है अब बीओसी और बीओडी और सीओडी जो है मेरा एंगल ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं यानी कि हम यहाँ पे सीओडी भी हम लिख सकते हैं सिर्फ सीओडी भी लिख सकते हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे बीओडी की जगह पे हम यहाँ पे सीओडी भी लिख सकते हैं ओके प्लस सीओडी लिख सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सो बीओडी की जगह पे हम सीओडी लिख सकते हैं यानी मेरा टू एंगल सीओडी हो गया ओके इसी तरह हम एंगल एओसी को एंगल एओसी ये वाले को हम ऐसे लिखेंगे पहले एंगल एओई प्लस एंगल सीओई ओके अब आप यहां देखो कि सीओई और एओई सीओई और एओई ये दोनों एंगल जो हैं टू इक्वल पार्ट्स में ये भी डिवाइड हुए हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है ओई मेरा बाइसेक्टर है एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा सो हम यहाँ पे एओई की जगह पे हम यहाँ पे सीओई भी लिख सकते हैं सो एंगल सीओई प्लस एंगल सीओई ओके सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं टू एंगल सीओई ओके अब हम यहां पे आते हैं फर्स्ट में एंगल अब बीओसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे एंगल टू सीओडी ओके ओके प्लस टू एंगल सीओडी यहां से हम यहां आ रहे हैं ठीक है ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को किया ताकि मैं जब यहां आऊं इस तरह से तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सो टू एंगल सीओडी प्लस टू एंगल सीओई इक्वल टू टू राइट एंगल ओके दो समकोण 180 डिग्री यहां देखो सब में टू 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 है तो हम यहां से टू को कॉमन निकाल ले रहे हैं सो हम यहां एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू टू राइट एंगल ओके टू से टू कट जाएगा सो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू वन राइट एंगल ओके ये मेरा प्रूव हो गया पहले मैंने बताया था एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओई ये हम वन राइट एंगल मेरा प्रूव हो गया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये वाला एंगल सीओडी ये वाला एंगल और सीओई ये एंगल यदि हम राइट एंगल यानी ये राइट एंगल प्रूव कर देंगे तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है ओके सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो OD and OE are perpendicular to each other. Okay? यह लंब रूप में परस्पर लंब रूप में स्थित होते हैं Okay? Proved. So हम यहां लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं कि the internal and external bisector अंतः समद्विभाजक एवं बाह्य समद्विभाजक परस्पर लंबवत लंब रूप में स्थित होते हैं ओके सो ये मेरा प्रूव हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता है सो आप लोग इसे अच्छा से देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आए प्रॉब्लम ना हो ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 11
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, दो सरल रेखाओं को आपस में काटने पर दो चार समकोण बनते हैं, वो चार समकोण उनका योग चार समकोण होता है, प्रमाणित करें। ओके, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड, ये हमें प्रूव करना है। ओके, और फोर एंगल्स जो बनते हैं, वो जो चार कोण बनते हैं उनका योग चार समकोण होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं इसे। बी सी डी, ओके, इस तरह से मेरा होगा। तो हम यहां लिखेंगे स्ट्रेट लाइन ए बी, सरल रेखा ए बी और सी डी, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट, हम यहां ओ लिख लेते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, यह जो दो सरल रेखाएं हैं वो कहां काटते हैं, ओ बिंदु पर काटते हैं, एट ओ। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, ये एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए, सी ओ ए इक्वल टू फोर राइट एंगल, चार समकोण होता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आंसर में, प्रूव करते हैं इसको। आप लोग देखो ये ओडी जो ओडी स्टैंड है एबी पे, यानी ओडी जो सरल रेखा है वो एबी पे स्टैंड है। सो हम यहां लिखेंगे ओडी स्टैंड्स ऑन एबी। ओके, जब एबी पे ये स्टैंड है, खड़ी है, तो यहां पे एक सरल रेखा को दो भागों में बांट रही है। ओके, सो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू डी ओ बी, सॉरी डी ओ बी, डी ओ बी इक्वल टू टू राइट एंगल्स। ओके, टू राइट एंगल। इसी तरह हम यहां भी देखें तो ये ओसी जो है, ओसी भी एबी पे स्टैंड है। सो हम यहां लिख सकते हैं सिंस ओसी स्टैंड्स ऑन एबी, ओसी स्टैंड्स ऑन एबी, सो इसे भी दो भागों में बांट रही है। सो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू टू राइट एंगल लिख सकते हैं हम लोग। ओके, जब ये दोनों तरफ का मेरा राइट एंगल टू राइट एंगल टू राइट एंगल आ गया, इसका मतलब मेरा राइट हैंड साइड का इक्वल है, तो हम इसे भी इक्वल कर सकते हैं या चारों को हम जोड़ दें। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं ऐसे, सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल, सबको मैं ऐड कर रही हूं, ठीक है, बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू फोर, टू एंड टू, फोर राइट एंगल ऐड कर दिया मैंने। अब आप लोग देखो ये
यहाँ पे आ गया जो मेरा क्वेश्चन था, एंगल एओडी प्लस डीओबी प्लस बीओसी प्लस सीओए इक्वल टू 4 राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन भी यही था कि दो सरल रेखाओं को आपस में काटने पर जो चार कोण बनता है वो समकोण होता है, चार समकोण होता है यानी 4 राइट एंगल्स होते हैं। सो ये प्रूव्ड हो गया। ओके, प्रूव्ड। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, सो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे हमेशा नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।